दोस्तों, अगर आसान, सॉफ्ट और मज़ेदार कोफ्ता बनाना है तो ये रेसिपी आपके कोफ्ता लिए बनाने है। के लिए हमने यहाँ पर मटन के 5 पीसेस लेकर उसको घर में ही ग्राइंडर में कीमा कर लिया है। आप अपने हिसाब से इसे बहुत ही बारीक या थोड़ा कोर्सली ग्राइंड भी कर सकते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है। अब इसके अंदर डालने के लिए कुछ मसाले हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर अदरक और लहसुन का पेस्ट लिया है, 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर है, गरम मसाला पाउडर है, ये भी 1/4 टीस्पून है। नमक हस्ब जायका है। अब इधर देखें, मिर्च हमने 1/8 टीस्पून लिया है। ये ज़ीरा पाउडर है, वो भी उतना ही है। और ये दालचीनी पाउडर है, 1/8 टीस्पून से भी कम है। ये खुशबू के लिए हैं, अगर आपको पसंद है तो डालें वरना स्किप कर दें। यहाँ पर हमने एक हरी मिर्च को बारीक चॉप कर लिया है और इसके मिर्च के बीज को मैंने अलग कर लिया है ताकि कोई बच्चा अगर खाए तो उसके मुंह में ना लगे। यहाँ पर मैंने 2 मीडियम साइज़ हरी प्याज की ऊपर का सफ़ेद वाला प्याज लिया है, जो कि सीज़न का नया प्याज है और अभी ये बहुत सॉफ्ट है, तो मैंने वही प्याज लिया है। ढेर सारी चॉप धनिया की पत्ती है, ये भी बहुत ही टेंडर है। और आम तौर से जो चीज़ इसमें नहीं देखने को मिलती है, वो एक चीज़ मैंने ये डाला है, ये है बॉयल्ड चने की दाल को पीसकर मैंने यहाँ पर डाला है। इससे कोफ्ता बहुत ही सॉफ्ट और मज़ेदार बनता है। यहाँ पर मैंने मटन के 5 पीसेस को घर में ही ग्राइंड कर लिया है और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं किया है, थोड़ा दानेदार ही है। ये चने के दाल का पेस्ट जो है वो ऑप्शनल है, आप इसकी जगह पर चने का सत्तू भी डाल सकते हैं, लेकिन कभी-कभी सत्तू डालने से कोफ्ता टाइट हो जाता है और बहुत ही डेंस हो जाता है। उसकी जगह आप ब्रेड क्रम भी डाल सकते हैं, तो वो आपकी अपनी चॉइस है। और इसके साथ ही मैं इसमें 1 टेबल स्पून मस्टर्ड ऑयल डालूंगी ताकि कोफ्ता सॉफ्ट और मॉइस्ट बने। तो चलिए, इन सब चीज़ों को मैं अब एक साथ मिक्स कर लेने वाली हूँ। अब उतने मटेरियल से मैंने यहाँ पर इतना कोफ्ता तैयार कर लिया है। यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 5 टेबल स्पून सरसों का तेल गरम किया है। अब इसमें एक छोटे से प्याज की बारीक स्लाइसों को डालकर मैं इसे लाइट ब्राउन कर लूँगी ताकि कोफ्ते में थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आ जाए। और साथ ही मैंने एक मसाले के लिए पेस्ट भी तैयार किया है और कुछ पाउडर मसाले का भी इकट्ठा कर लिया है, तो चलिए उन्हें दिखाती हूँ। ये है प्याज की पेस्ट। यहाँ पर मैंने एक बड़ी प्याज के साथ आधी लहसुन की गठरी और अदरक का एक पतला स्लाइस, क्वाइन साइज स्लाइस मैंने पीस लिया है और साथ ही कुछ पाउडर मसाले भी हैं। अब यहाँ पर प्याज कैरेमलाइज हो चला है तो मैं पिसी हुई प्याज का पेस्ट यहाँ पर डाल देती हूँ। अब इसमें प्याज, अदरक, लहसुन सब अच्छी तरह से भुना जाएगा। अब इतनी देर तक इसे भूनना है कि प्याज का और लहसुन अदरक का कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसमें एक थोड़ा सा भूरा कलर आ जाए।
पाउडर मसाले में धनिया, मिर्च, हल्दी, गरम मसाला और नमक है जो कि सभी हाफ टीस्पून है, और यहाँ पर 2 टेबल स्पून घर की बनाई हुई दही है जिसे मैंने फेंट लिया है। 1 बड़े टमाटर को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब कढ़ाही में जो लहसुन अदरक का पेस्ट भुना जा रहा था उसमें हमने टमाटो पेस्ट मिला लिया है, साथ ही पाउडर मसाले भी डाल दिए गए हैं। अब इन सब चीज़ों को थोड़ी देर तक भून लेना है। मैंने यहाँ पर काफ़ी देर तक इसे भूना है, लगभग 3-4 मिनट तक। तो अब तेल इससे अलग हो रहा है। अब यहीं पर हमें दही का इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे कि दही डालते वक्त फ्लेम धीमा रहे और इसे लगातार चलाया जाना चाहिए, वरना कभी कभी दही फट जाता है। अब मसाला बिल्कुल सेंटर में इकट्ठा हो रहा है और मसाले से तेल सेपरेट हो रहा है। इसके मतलब है कि मसाला अच्छी तरह भुना जा चुका है। यहाँ पर अब हमें पानी इस्तेमाल करना है। ये पानी मसाले को थोड़ा पतला बनाएगा और थोड़ा ठंडा कर देगा। अब इसी जगह हमें अपने पहले से तैयार किए हुए कोफ्ते को डालना है। तो यहाँ पर आहिस्ता आहिस्ता आप सभी कोफ्ते को मसाले के ऊपर डाल दें। बस ध्यान ये रखें कि आपके हाथ में तेल का छींटा ना पड़ जाए। तो फ्लेम को धीमा रखें, लगातार यहाँ पर फ्लेम को धीमा रखना है। और सारे कोफ्ते जब इसमें डाले जाएं, उसके बाद ये एहतियात रखना है कि आपको इसे चम्मच या करछी से चलाना नहीं है, बस अगर ज़रूरत हो तो कढ़ाही को झुला देना है, यानी टिल्ट करा देना है, ताकि मसाले की कोटिंग कोफ्ते के ऊपर हो जाए। पूरे 2 मिनट या 1.5 मिनट के बाद आप इसमें साइड से चम्मच लगाएं। मैंने ऐसा ही किया है और इस तरह से कोफ्ते जो हैं वो बंद जाते हैं, टूटते नहीं हैं। अब अगर टाइम काउंट करें तो यहाँ से हमें कोफ्ता तैयार करने में सिर्फ 10 मिनट का वक्त लगने वाला है। यहाँ पर आप अपनी पसंद से जितना आपकी मर्ज़ी हो पानी डालें और जितना मर्ज़ी हो शोरबा तैयार करें। अगर आपको ये इसी तरह से सूखा खाना है तो ये 10 मिनट में रेडी हो जाएगा। उम्मीद है आज की रेसिपी को आपने इंजॉय किया।